श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अतः श्री षड्विंशतो अध्याय प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से, सुत जी महाराज शुनकादिक ऋषियों से और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं तुमसे अधिक मास के उद्यापन को विधान पूर्वक कहता हूं। तुम एकाग्रचित होकर के सुनो। अधिक मास में नियम व्रत, अखंड दीप और मौन व्रत धारण आदि के साथ नित्य भगवान पुरुषोत्तम का पूजन भी अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के दान कर्म करते हुए भगवान नाम स्मरण, भजन कीर्तन, गीता भागवत का श्रवण करते हुए संपूर्ण मास को श्रद्धा पूर्वक व्यतीत करना चाहिए और अंत में उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन के लिए अधिक मास की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस, ये चार तिथियां मुख्य बताई गई है। इन तिथियों में जिसको जो सी तिथि महाराज अच्छी लगे उस तिथि से महाराज अधिक मास का उद्यापन व्यक्ति को करना चाहिए। प्रभु कहते हैं हम अपनी इच्छा से इन चार तिथियों में कभी भी महाराज उद्यापन कर सकते हैं। उसका विधान इस प्रकार है महाराज, उद्यापन के एक दिन पहले पूजन हवन कराने के लिए सात्विक और कर्मकांडी ब्राह्मण को तथा भोजन के निमित्त अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार निश्चित संख्या में आमंत्रित महाराज भोजन करवाना चाहिए। हमारी इच्छा हो हम 10 जनों को भोजन कराएं, 11 को कराएं, 21 को कराएं, 200 को कराएं, 2000 को कराएं, हमारी जैसी सामर्थ्यता है वैसा महाराज उद्यापन होता है। और महाराज भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मी, उद्यापन के दिन महाराज प्रातः काल का समय सुबह उठकर के शोच कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके नित्य निमित्तिक संध्या वंदन कर्म करके कर्मकांडी ब्राह्मण के विधान से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पूजन के स्थान और भगवान के मंडप को तोरण और अनेक श्रुतों में उत्पन्न फूलमाला और अनेक वस्त्रों की ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित करना चाहिए। मंडप के स्थान को गोबर में लीप कर रंगोली से चौक पूर करके चोरंग रख करके नया सफेद वस्त्र बिछा करके चावल आदि धान्य से सर्वोत्तम भद्र मंडल बना करके चारों दिशाओं में चार और बीच में प्रधान कलश को स्थापित करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार चांदी, तांबा या पीतल का कलश होना चाहिए। उन कलशों में तीर्थों का अथवा गंगा जल शुद्ध जल भर करके पंच पल्लव सर्वोषधि डालकर के वस्त्र से लिपटा हुआ नारियल का फल उसके ऊपर रखना चाहिए और उन कलशों के क्रम में संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का आह्वान ध्यान करके मध्य में प्रधान कलश पर सुवर्ण की बनाई हुई राधा के सहित भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके पाद्य अर्घ्य स्नान करा के स्थापित करें और चारों कलशों में अर्घ्य स्नान करावे और श्रद्धा के सहित सभी देवताओं को यज्ञोपवीत चंदन, गंध, अक्षत, पुष्प, माला, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। प्रधान देवता भगवान पुरुषोत्तम को पुरुष योग्य वस्त्र अलंकार अंगूठी तथा राधा जी को स्त्री योग्य वस्त्र साड़ी, श्रृंगार सामग्री और महाराज चूड़ी, बिंदिया, महावर, कुंकुम, सिंदूर, काजल, आईना, अत्र, सुगंधित तेल आदि अर्पण करके धान्य, चावल, फल, मेवा आदि से महाराज ओटी भरनी चाहिए। उत्तम प्रकार के मिष्ठान, पकवान, मिठाई, मेवा, फल के द्वारा सभी देवताओं को भोग लगा। लौंग, इलायची, जायत्री, कपूर से बनाया हुआ पान का बीड़ा अर्पण करके पांच देवताओं के निमित्त घी के 5 दीपक प्रज्वलित करके दीपदान महाराज व्यक्ति को करना चाहिए। यदि मनुष्य में द्रव्य की शक्ति हो तो चारों देवताओं के निमित्त 4 ब्राह्मणों को जप का संकल्प देकर के चारों देवताओं की प्रसन्नता के लिए जप करवावे और तांबे के पात्र में जल भर करके उसमें गंध, अक्षत, पुष्प डाल करके
अपनी जंगा को मोड़कर अपने घुटनों को टेक करके भगवान के सामने कहना चाहिए देव देव नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के द्वारा सभी देवताओं को अर्घ देना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक देवताओं के चरणों में नमस्कार महाराज करना चाहिए और आचार्य ब्राह्मण का पूजन करके भगवान के स्तोत्र का पाठ भागवत पुराण आदि का श्रवण फिर व्यक्ति को करना चाहिए। कोई भी ग्रंथ सुने लेकिन अधिक मास में कोई ना कोई ग्रंथ व्यक्ति को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए और भगवान को फिर छत्र चामर आदि आदि तर्पण करके सभी देवताओं की प्रसन्नता और व्रत की पूर्ति के लिए वेदी बना करके अग्नि को स्थापित करके अग्नि का पूजन करके शुद्ध घी और हवन सामग्री के द्वारा आचार्य के कहे मंत्रों द्वारा हवन महाराज करना चाहिए। हवन पूर्ण होने पर 5 लोकपाल 10 दिक्पाल और क्षेत्रपाल की बलि का विधान करके अग्नि में नारियल में घी भर करके पूर्णावती करनी चाहिए और अनंतर घी की 5 या 7 दीप मालिका सजा करके प्रेम में श्रद्धा में विभोर होकर के भगवान यज्ञ नारायण की आरती करनी चाहिए और भगवान की आरती करके मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें और सभी देवताओं को साक्षात दंडवत नमस्कार करें और आमंत्रित ब्राह्मणों को पत्नी के सहित चरणों को धुलवा करके गंध अक्षत लगा करके उत्तम प्रकार के भोज्य सामग्री मिष्ठान पकवान फल दूध खीर के द्वारा भोजन करवा करके अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र है दक्षिणा है तांबुल है पान है सुपारी देकर के प्रार्थना करें। हे ब्राह्मणों मैंने अपनी शक्ति के अनुसार इस उद्यापन कर्म में आपकी सेवा में जो समर्पित किया है उसे आप संतुष्ट होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ये उद्यापन कर्म मेरा परिपूर्ण हुआ है इस प्रकार का आशीर्वाद ब्राह्मणों से ग्रहण कर उनको विदा करें। हे लक्ष्मी उद्यापन की रात्रि में अनेक मांगलिक वाद्य संगीत गीत भजन करते हुए रात्रि जागरण करते हुए महाराज व्यतीत करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य निमित्त कार्य करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करके संध्या वंदन नित्य पूजन करके सभी देवताओं का उत्तर पूजन करना चाहिए और नाम मंत्रों से आचार्य के द्वारा हवन करें तर्पण करें मार्जन करें पुष्पांजलि करें और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें और कहें हे देवाधिदेव पुरुषोत्तम भगवान मैंने अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार जो नियम व्रत धारण करे हैं यथाशक्ति उनका उद्यापन कर्म करा है अब आपकी इसमें कृपा बनी रहे मेरे निरंतर आपके प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनी रहे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके आवाहित देवताओं का आचार्य के मंत्रों को द्वारा विसर्जन करें और आचार्यों का पूर्ण करके पूजन करके पूर्ण मात्र का दान पूर्ण पात्र का दान भगवान की मूर्ति और पूजन के मंडल का दान संकुल पूर्वक आचार्य को प्रदान करना चाहिए और यदि शक्ति हो तो सुंदर सुशील पुष्ट शरीर वाली दुग्ध देने वाली बछड़े के सहित महाराज गो का दान महाराज व्यक्ति को करना चाहिए और आचार्य को वस्त्र आभूषण पद दान तिल पात्र घट पात्र जल पात्र छाता जूता शंख पंचरत्न सप्त दान श्रीमद् भागवत का दान अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार लोभ त्याग करके व्यक्ति को करना चाहिए। हे लक्ष्मी श्रीमद् भागवत की दान का बड़ा भारी महात्म्य है साक्षात भगवान पुरुषोत्तम के स्वरूप का दान कहलाता है। 1000 कन्यादान सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से तथा अनाज से परिपूर्ण क्षेत्र का दान और अनेक तुला दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे 1000 गुना की प्राप्ति श्रीमद् भागवत पुराण को दान करने से प्राप्त होती है। बोलो भागवत महापुराण की जय। और महाराज कांसे के अथवा तांबे के पीतल के पात्र में 33 मालपुए रख करके कपड़े से ढक करके व्रत की संपूर्णता प्राप्त करने के लिए आचार्य को संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। इस अपूर्व दान से अधिक मास के व्रत नियम की पूर्णता प्राप्त होती है। अगर मालपुआ अनारसा बनाने का साधन ना हो तो इनको जो मालपुए बनाने की कच्ची सामग्री जो आती है वो कच्ची सामग्री महाराज दान करनी चाहिए और ब्राह्मण को ही भगवान का स्वरूप मान करके उत्तम प्रकार के खाद्य सामग्री मिष्ठान मेवा फल आदि का भोजन करा करके महाराज उपरोक्त वस्तु का यथाशक्ति दान देना चाहिए। हे कृष्णा परायण मस्तु
ऐसा कहकर के हाथ में जल दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण के हाथ में महाराज छोड़ना चाहिए। फिर कहना चाहिए मंत्रहीनम क्रियाहीनम और यस्त मृस्तया, इस मंत्र के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की वंदना महाराज करनी चाहिए। आचार्य ब्राह्मण को फिर विदा करना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करें, भोजन का ग्रहण करके महाराज अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों को भिक्षार्थियों को महाराज भोजन या अन्न दान महाराज व्यक्ति को करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अष्टमी या नवमी का उद्यापन करना चाहे तो उनको उद्यापन के बाद भी अमावस तक नित्य प्रति उसका पूजन करते रहना चाहिए और अमावस की रात्रि को मांगलिक वाद्य संगीत भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करके दूसरे दिन आचार्य के द्वारा उत्तम पूजन का विधान करके फिर महाराज विसर्जन करा के आचार्य का पूजन भोजन और महाराज दान करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इस प्रकार विधान पूर्वक जो मनुष्य अथवा स्त्री अधिक मास का उद्यापन कर्म करेंगे वे सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर के दुख दारिद्र्य और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर के सुख शांति संपत्ति संतति यश कीर्ति धनमान्य से संपन्न होकर के सांसारिक जीवन में व्यतीत करके अंत में अक्षय पद अर्थात 84 लक्ष योनियों में भ्रमण की बाधा से मुक्त होकर के अंत में लीन होकर के मोक्ष को प्राप्त होंगे। जय जय श्री अधिक मास मातम सार ब्रह्म नारदीय पद्माधारे षड विंशति मतो अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान।